एक खतरनाक वायरस तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है और इसके 116 देशों में अभी तक केसेस देखे जा चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह अलर्ट जारी कर दी है कि अगर इसे जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह अगले बड़े पैंडेमिक में तब्दील हो सकता है। जस्ट पिछले ही हफ्ते 14 अगस्त के दिन WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने खुद ही अनाउंस किया कि एक खतरनाक वायरस एमपॉक्स, जो अब तक सिर्फ अफ्रीका के एक ही देश को इन्फेक्ट कर रहा था, वह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। ये डेडली एमपॉक्स वायरस, जिसके कमजोर वेरिएंट ने साल 2022 में दुनिया भर में फैलने की कोशिश की थी, इसका हाल ही में एक नया स्ट्रेन आया है जो पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल और वायरुलेंट है। इतना कि विद इन मंथ्स इसने सेंट्रल अफ्रीका के इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश से फैलना शुरू करके अब ये अफ्रीका के इन 12 देश और उनके साथ साथ यूरोप में स्वीडन, सऊदी अरेबिया और यहां तक कि इवन फिलीपींस जैसे एक ईस्ट एशियन देश तक ये फैल चुका है। और एस्टिमेट्स बताते हैं कि ये नया वेरिएंट कोविड से भी एटलीस्ट 7 गुना ज्यादा डेडली है। इनफैक्ट अभी हाल ही में ही पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा जी ने भी एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी, जिसके तहत उन्होंने दिल्ली, जहां से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भारत में आते हैं, वहां 3 मेजर हॉस्पिटल्स, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल और लेडी हार्दिंगे हॉस्पिटल, इन्हें लोगों को क्वारंटाइन करवाने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे दी है। और इसी के साथ उन्होंने बाकी के स्टेट से भी अपील किया कि वो भी अपने हॉस्पिटल्स को इस नई महामारी के लिए तैयार रखें। अब अगर आपको याद होगा ना, तो मैंने अपने इस H5N1 वायरस वाले वीडियो में एक टिपिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। बेसिकली कोई भी वायरस आइडियली 2 से 3 सालों तक इंसानी शरीर में पहले इंक्यूबेट होता है। ये वायरस अपने आप में ही म्यूटेशंस क्रिएट कर रहा होता है ताकि इन म्यूटेशन से ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना पाए जो भारी तादाद में कई सारे इंसानों के इम्यून सिस्टम्स को भेद पाए और सभी को एक ही झटके में अपना शिकार बना पाए। एंड देन इसी इंक्यूबेशन पीरियड के बाद किसी अनफॉर्चुनेट दिन उसका एक ऐसा जानलेवा वेरिएंट पैदा हो जाता है जो तेजी से मैसिव पब्लिक में फैलने लग जाता है और सबको मारने लगता है। आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले साल 2022 में इसी एमपॉक्स वायरस का एक लेस सीरियस आउटब्रेक आके जा चुका है, जिसने दुनिया भर में 1,00,000 लोगों को इफेक्ट किया था, विच बेसिकली मींस इसे काफी ज्यादा समय मिल गया था इंक्यूबेशन के लिए और अब वाला वेरिएशन पहले वाले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो क्या इस वायरस का भी फाइनली टिपिंग पॉइंट आ चुका है, जैसे मार्च 2020 में कोविड वायरस का आया था, और अब यहां से और ये तेजी से वायरल हो जाएगा और ग्लोबल पैंडेमिक कॉज करेगा? क्या हम फिर से इस बार 2 साल के लॉकडाउन में ढकेले जाएंगे? और ये वायरस सिर्फ अफ्रीका के एक देश में से अचानक से पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? क्या कोविड की ही तरह इसके साथ भी किसी ने कोई छेड़खानी की है क्या, जिससे ये जानलेवा बन गया? और क्या हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन मौजूद है भी कि नहीं, या इस बार भी हम वही पिछली बार की तरह हेल्पलेसनेस एक्सपीरियंस करेंगे जैसे हमने कोविड के वक्त एक्सपीरियंस किया? वेल, आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में पूरे साइंस के साथ एकदम आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, 1958 की ये बात है, डेनमार्क के कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए सिंगापुर से कुछ मैकाक बंदरों को इंपोर्ट करवाया था। जब वो बंदर डेनमार्क पहुंचे तो उन साइंटिस्टों ने देखा कि उनमें से एक बंदर किसी सीवियर वायरल इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स दिखा रहा है, यू नो सिम्टम्स लाइक तेज बुखार, मसल पेन, स्किन लीजन्स वगैरह। अब अपने इस कंसर्न के बेसिस पर जब उन्होंने उस बंदर के स्किन लीजन्स के कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए और उन्हें टेस्ट किया, तो पता चला वो बंदर असल में एक नए अनोखे किस्म के पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड था। और यहीं से उस वायरस का पहली बार नाम रखा गया एमपॉक्स वायरस, यानी मंकी पॉक्स वायरस, क्योंकि इसे एक मंकी में सबसे पहली बार देखा गया था। पर बंदरों से पहली बात तो ये इंसानों में कैसे आया, और आज ऑलमोस्ट 7 दशक बाद ऐसा क्या हुआ कि इसने अचानक इतना खतरनाक रूप ले लिया? तो देखो, इस एमपॉक्स वायरस का सबसे फर्स्ट ह्यूमन विक्टिम था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रहने वाला एक 9 साल का गरीब ट्राइबल बच्चा, जिसका पूरा काबिला एमपॉक्स से इन्फेक्टेड बंदरों से काफी क्लोज कांटेक्ट में था। बेसिकली उस लड़के का और उन ट्राइब वालों का शरीर उस वायरस के लिए एक इंक्यूबेशन एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी जैसा बन गया, जिसमें वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के हिसाब से म्यूटेट होने लगे, और उन्हीं में से एक म्यूटेशन, एक वेरिएशन इतना परफेक्ट बना कि उसने उस
बच्चे की जान ले ली। बट अनफॉर्चुनेटली ये तो बस शुरुआत थी। इस इंसिडेंट के बाद ये वायरस दो मेजर ग्रुप्स या क्लेड्स में इवॉल्व हुआ। क्लेड वन, ऑल्सो नोन एज कॉन्गो बेसिन क्लेड, जो मोस्टली सिर्फ DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही कॉन्सेंट्रेटेड था। एंड क्लेड टू, ऑल्सो नोन एज वेस्ट अफ्रीकन क्लेड, जो लाइक द नेम सेज वेस्ट अफ्रीकन देशों में ही फैलने लगा था। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है, क्या लगता है आपको इन दोनों ही ग्रुप्स में से ज्यादा खतरनाक एमपॉक्स का क्लेड कौन सा रहा होगा? सो चलो मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं। ये 1970 से लेकर अब तक सभी एमपॉक्स आउटब्रेक्स की लिस्ट है, जिसमें कौन सा आउटब्रेक किस क्लेड ने कॉज किया ये क्लियरली मेंशन है। अब मुझे बताओ, नेचुरली आप सोच रहे होंगे कि क्लेड टू ज्यादा खतरनाक है क्योंकि सबसे ज्यादा आउटब्रेक्स उसी ने कॉज किए और वही ज्यादा देशों में फैला है, इवन इन इंडिया। बट यहीं पर आप गलत हो। फर्स्टली क्लेड वन ज्यादा सीवियर सिम्टम्स दिखाता है एज कंपेयर टू क्लेड टू, और इसीलिए वो बॉर्डर्स क्रॉस करते वक्त आसानी से पकड़ा जाता है और उससे पीड़ित लोग भी दूर दूर तक माइग्रेट करने के काबिल नहीं रहते। क्लेड टू ऑन द अदर हैंड काफी माइल्ड सिम्टम्स दिखाता है और इसीलिए उससे इन्फेक्टेड लोग आसानी से बॉर्डर्स वगैरह क्रॉस करके दूसरे देशों में निकल लेते हैं। यानी कि ज्यादा देशों में फैलना इज नॉट एट ऑल इक्वल टू ज्यादा खतरनाक वेरियंट होना। दूसरी बात, क्लेड टू से लगातार एक्सपोज होने की वजह से इतने दशकों में अब हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम भी उससे लड़ना सीख चुका है, मगर क्लेड वन आज भी DRC को छोड़कर बाकी देशों के लिए एकदम नॉवेल वायरस है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम उसे फाइट करने के लिए अभी तक केपेबल नहीं बने। और यही वजह है कि आप देखोगे क्लेड टू का केस फेटालिटी रेट, यानी कि इन्फेक्टेड लोग में से कितने लोग मरते हैं, उसका परसेंटेज सिर्फ 1% है, लेकिन क्लेड वन का केस फेटालिटी रेट है 10%, यानी कि 10 में से एक इंसान जो इस वेरिएंट से इन्फेक्ट हुआ होगा वो मरेगा ही मरेगा। अब यस, इन डेथ्स के पीछे डेफिनेटली कॉन्गो का पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक फैक्टर हो सकता है, बट 1% और 10% के बीच का डिफरेंस स्टिल टू हाई। और प्रॉब्लम बस यही है कि अभी 2024 में जो एमपॉक्स का वेरिएंट फैल रहा है ना, वो यही क्लेड वन का वेरिएंट है, जो DRC से बाहर, कॉन्गो से बाहर निकलकर अब धीरे धीरे करके पूरे अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में भी अपने पैर पसार। बट इंडिया का क्या, क्या इंडिया सेफ है? शुड वी बी अफ्रेड? वेल, आज से 2 साल पहले UAE से सिर्फ एक इन्फेक्टेड केरलाइट आदमी इंडिया लौटा था, और वो भी लेस सीरियस क्लेड टू इन्फेक्टेड। येट देखते ही देखते उससे 25 लोग इन्फेक्ट हो गए थे और एक की मौत भी हुई। नाउ जस्ट इमेजिन, ऐसी ही सिमिलर लापरवाही अगर क्लेड वन के साथ भी होती है तो उसका हाशरे और भी बहुत ज्यादा बुरा होगा। करंटली क्लेड वन के केसेस तेजी से अफ्रीका में बढ़ रहे हैं और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के स्टेटिस्टिक्स के अनुसार एटलीस्ट 1 लाख अफ्रीकन्स मेडिकल एजुकेशन या अन्य वजहों से हर साल इंडिया आते हैं। प्लस यू नो 2022 में जो एक डेथ रिकॉर्ड हुआ था ना इंडिया में, वो एक यंग लड़का था जो UAE से लौटा था, वो खुद कभी अफ्रीका गया ही नहीं था, येट ही कॉट द वायरस। कैसे? वेल सिंपली बिकॉज UAE में वो एक ऐसे इंसान के क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गया जो अफ्रीका से लौटा था। यानी कि सिर्फ उन लोगों को स्क्रूटिनाइज करके मतलब नहीं है जो अफ्रीका से आ रहे हैं, वो लोग भी रिस्क में हो सकते हैं जो किसी भी और फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं। अगर हमें इस क्लेड वन को हमारे देश में घुसने से रोकना है तो हमें सबको टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन उस एक अकेले लड़के ने 25 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। और हर साल एटलीस्ट 90 लाख लोग रेगुलरली ट्रैवल करते हैं बिटवीन इंडिया एंड UAE। और अगर ये वायरस और भी यूनिक एथनीसिटीज के लोगों को अपना घर बनाता है, उनके शरीर को अपना घर बनाता है, अपनी प्रयोगशाला बनाता है जहां पे वो म्यूटेशंस करे, एडेप्टेशंस लाए, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करे, तो इसके आगे चल के और भी ज्यादा डेंजरस वेरिएशंस बन सकते हैं जो पॉपुलेशन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जैसे 1970s में ही अफ्रीकन ट्राइब्स के साथ हुआ था। हमारी जितनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, हम सिर्फ उस वायरस के लिए चलते फिरते लेबोरेटरीज नहीं बनेंगे, इंस्टेड वी विल बिकम बिग फैक्ट्रीज जो पूरी दुनिया को जानलेवा क्लेड वन एमपॉक्स वायरस सप्लाई कर सकता है, क्योंकि वैसे भी इस वायरस को फैलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता। अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान या जानवर के स्किन पर लीजन्स हैं या ऐसे किसी इंसान या जानवर ने किसी चीज को छू लिया, तो आपको बस उस इंसान या उस जानवर या उस चीज को छूना है, एंड दैट्स इट, नाउ यू आर इन्फेक्टेड टू। डेटा बताता है कि जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस, जिस कैटेगरी ऑफ वायरसेस को ये एमपॉक्स बिलोंग करता है, इनको अगर डार्क
कूल लो ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट मिले तो वो कपड़े, टेबल, कांच ऐसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पर भी 15 दिनों से भी ज्यादा समय तक आराम से जिंदा बचे रह सकते हैं। यानी ट्रेन वगैरह से ट्रैवल करते वक्त हो सकता है कि कोई इन्फेक्टेड इंसान 10 दिन पहले उस ट्रेन की सीट पर बैठा हो, बट अगर उसका वायरस वहां पर सीट पर छूट गया तो वो फिर भी लोगों को इन्फेक्ट करेगा। और हमारे इंडियन ट्रेन्स की भीड़ के बारे में तो आपको पता ही है, आप इमेजिन कर सकते हो हाउ ड्रेडफुल दैट सिचुएशन वुड टर्न आउट टू बी। बट लेट्स से इस वायरस ने आपको इन्फेक्ट कर लिया तो आपके साथ एग्जैक्टली क्या होगा, या कैसे पता लग सकता है कि किसी एक पर्सन को उस वायरस ने इन्फेक्ट किया है या नहीं? तो देखो, लाइक आई सेड, एमपॉक्स वायरस के दो स्ट्रेन्स हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। लेकिन इनमें एक चीज अच्छी है कि इनके सिम्टम्स बिल्कुल सेम ही होते हैं, बस सिवियरिटी का फर्क होता है। क्लेड 1 के सिम्टम्स ज्यादा सीरियस और डेडली होते हैं और क्लेड 2 के थोड़े कम। दोनों ही केसेस में वायरस के कॉन्टैक्ट में आने से लेकर फुल ब्लोन इन्फेक्शन बनने तक आपका शरीर मेजरली 3 स्टेजेस से गुजरता है। स्टेज नंबर 1 इनक्यूबेशन पीरियड, स्टेज नंबर 2 प्रोड्रोम और स्टेज नंबर 3 रैशिंग। इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है और बॉडी में अडैप्ट होने और मल्टीप्लाई होने की कोशिश करता है। ये पीरियड जनरली 1 से 2 हफ्तों तक रहता है और इस दौरान बॉडी में कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आते। यानी कि इस पीरियड में हो सकता है कि आपके शरीर में ऑलरेडी वो वायरस बैठा हो और आपको पता भी नहीं है। प्रोड्रोम स्टेज जो आता है वो काफी खतरनाक है। इस स्टेज में आपको एमपॉक्स के अर्ली सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि फीवर, थकान, वीकनेस, हेडेक, गले में सूजन, कफ, जो कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन में दिखता है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज जो एक्स्ट्रा दिखाई देती है, जो अन्य किसी वायरल इन्फेक्शन में नहीं दिखाई देती, वो है लिम्फोडिनोपैथी या सिंपली स्वोलन लिम्फ नोड्स। आपने देखा होगा हमें जब माउथ अल्सर्स आते हैं तो यहाँ पर लोअर जॉ के नीचे एक पेनफुल गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, वही होते हैं ये लिम्फ नोड्स जो हमारे शरीर में फैले छोटे छोटे लोकल पुलिस स्टेशंस की तरह होते हैं। सो अगर आपको बहुत तेज वायरल फीवर है, थकान फील हो रहा है अलोंग विद शिवर्स, और उसी के साथ आपके गले के पास वो गांठ भी फॉर्म हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एमपॉक्स वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया एंड आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर सपोज आपने इसे इग्नोर किया और अपने घरेलू नुस्खे आजमाते रहे, देन आप बढ़ोगे टूवर्ड्स द थर्ड स्टेज जो है रैशिंग स्टेज। इस स्टेज में आपके शरीर में मौजूद वायरस पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और वो आपके शरीर के एपिथेलियल सेल्स, जैसे कि स्किन के सेल्स हो गए, इनको इन्फेक्ट करने लगता है। और इसीलिए इस स्टेज में आप देखोगे आपके स्किन पे पहले फ्लैट ड्राई लीजन्स बनने लग जाते हैं, जिसे मैक्यूल्स कहते हैं, और फिर वो लीजन्स फूलने लगते हैं टू बिकम पैप्यूल्स, और फिर उनमें फ्लूइड भरने लग जाता है और वो कहलाए जाते हैं वेसिकल्स। और इस सब के बाद वहां पर आपको दर्द होना भी शुरू हो जाएगा, जिसके बाद वो लीजन्स कहलाए जाते हैं पस्ट्यूल्स। अब ये जितने भी स्टेजेस मैंने आपको बताए ना, माइंड यू ये बस सिर्फ 1 से 2 हफ्तों में ही प्रोग्रेस होते हैं, और उसके बाद आप अपने पूरे मोहल्ले में एमपॉक्स फैलाने के काबिल हो जाते हो। सो अगर किसी को एमपॉक्स वायरस इन्फेक्ट कर लेता है या कोई पेशेंट एमपॉक्स वायरस के सिम्टम्स दिखा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? वेल, WHO ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, आपको ये चीजें फॉलो करनी होगी। सबसे पहले तो आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना होगा, और आपके घर में या आपके सराउंडिंग में जो भी डेली ऑब्जेक्ट्स हैं, जिन्हें भी लोग बार बार छूते हैं, उन्हें रेगुलरली सैनिटाइज करना होगा। और फिर जैसे ही किसी में भी आपको एमपॉक्स के सिम्टम्स दिखते हैं, आपको उनके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट या इंटीमेसी को अवॉइड करना पड़ेगा, इवन इफ दे आर योर ओन फैमिली मेंबर। एनिमल्स के थ्रू भी ये वायरस आप तक ना पहुंचे, इसीलिए जितना हो सके स्ट्रे एनिमल्स को टच ना करें, उनसे दूर रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको खुद एमपॉक्स हो जाता है तो खुद को तुरंत आइसोलेट करें और तब तक सोशल कांटेक्ट ना करें जब तक बॉडी के सारे रैशेस, लीजन्स ड्राई होकर वहां पर नई हेल्दी स्किन डेवलप ना हो जाए। इससे दूसरों में ये वायरस नहीं फैलेगा। और रिकवरी के बाद भी इफ यू आर हैविंग सेक्स, देन यूज कॉन्डम एटलीस्ट अप टू 12 वीक्स आफ्टर यू हैव रिकवर्ड, ताकि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर सेफ रहे। रिमेंबर, इस पूरे इन्फेक्शन में नेग्लिजेंस सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। इसमें आपको अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने करीबियों के लिए ये स्ट्रिक्ट आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। अच्छा, फाइनली हमारे रिसर्च के वक्त ना एक बहुत ही शॉकिंग और पेनफुल बात के बारे में मुझे पता चली। एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स भी है ये। सो एमपॉक्स से डील करने के लिए करंटली एक काफी पावरफुल वैक्सीन अवेलेबल है कॉल्ड MVA-BN। लेकिन कोविड की तरह 2022 एमपॉक्स आउटब्रेक के वक्त USA ने दुनिया के टोटल 88% वैक्सीन शॉट्स को होल्ड करके रखा हुआ था, जबकि वहां पर सिर्फ लगभग 32,000 केसेस ही रजिस्टर हुए थे। यानी आयरनी देखो,
WHO का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्टर US है, लेकिन कहां तो WHO को अफ्रीका में बढ़ते केसेस को रिलीफ देने के लिए फंड्स या वैक्सीन्स देने चाहिए, तो उल्टा जिनको जरूरत नहीं है वो होड़ करके बैठे हुए। और अंत में अभी जाके रिसेंटली यूरोपियन कमीशन के हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स अथॉरिटी हेरा और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बवेरियन नॉर्डिक फाइनली अफ्रीका को करीब 2.15 लाख डोजेस डोनेट करने वाली है, जो इनिशिएटिव USA और WHO को पहले ही शायद ले लेना चाहिए था। लेकिन अफ्रीका की प्रॉब्लम वेस्ट की प्रॉब्लम थोड़ी ना है, और इसीलिए इन एक्शन। बट अल्टीमेटली ऐसे केसेस में क्या ही फायदा कि आप अपने देशों के लिए वैक्सीन तो अरेंज कर दे रहे, लेकिन जब तक बीमारी का रूट ही फिक्स नहीं होगा, बीमारी तो जड़ से कभी खत्म ही नहीं होगी। बुखार की दवा देने से कैंसर थोड़ी ना ठीक हो जाता है। यहाँ पर मेन जड़ अफ्रीका ही है, जिसे कंटेन करना सभी कंट्रीज के लिए टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इवन इंडिया भी इस कॉज में सपोर्ट कर सकता है, बीइंग कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह हमने कोविड के वक्त गरीब देशों को वैक्सीन प्रोवाइड किए थे, उसी तरह हम यहाँ पर भी अपना योगदान दे सकते हैं। आफ्टर ऑल, जब तक नल ही नहीं बंद करोगे तब तक जमीन पोंछने का क्या मतलब। और फाइनली फ्रेंड्स, हम सभी को भी मिलकर प्रिपेयर्ड रहना होगा, एक प्रॉपर सिविक सेंस के साथ और एक अच्छे नागरिक की तरह अपने ड्यूटीज का पालन करना होगा, ताकि हम इस वायरस के स्प्रेड को जितना हो सके लिमिट कर सके। आफ्टर ऑल, उतनी जाने भी तो कम जाएंगी। सो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना, ताकि अवेयरनेस फैल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।